बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, काम चोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो नहीं थे कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ए हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। मम्मी ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फरसी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई, बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सी पानी छिड़क लेना चाहिए, बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए, तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। फूसम फूस किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की
कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लतपत हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चार आना प्रति बच्चों के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम से ही जो बास छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे घुले सिर पर लगी है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। एक मुर्गी की पतीली की छपाक मार कर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़ आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उसकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलंगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुलगानू बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छुड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारी सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग के दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी।
इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चार भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। घुली बेघुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुहे लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौंकने हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चे को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस बाघी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा बछड़े की ममता से व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। दो चार धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के तीन चौथाई में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिए।